नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश एएलपी पर। और साधारण व्यास की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सभी का नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, साधारण व्यास में आपको पढ़ा रहा था सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, सभी में जो है साधारण ब्याज के सवाल आते ही आते हैं, यानी एसएससी एमटीएस। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब चैप्टर है, इसे आप सही करके ट्रिक से करिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैं आपको सवाल कराऊंगा एसएससी सीजीएल 18/4/22 थर्ड चैप्टर में आया था ये सवाल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बच्चे इसे देख के डरते हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल आसान ट्रिक से। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रकाश एएलपी के नाम से। 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर दो भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ये जो आपके रुपए हैं 17,200, देखिए ध्यान से, ट्रिक से ही कराऊंगा, कितने हैं 17,200। तो ये 17,200 है, ये जो आपकी राशि है 17,200 को 2% पे बांटा गया है, एक तो 8% पे और एक 10% पे, और कितने 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। और बाद में 2 वर्ष के बाद जो है इसका ब्याज कितना, यहां पे लिख दो, जो 2 वर्ष में जो ब्याज आपका बैठ रहा है, 2 वर्ष में ब्याज वो कितना है, रुपए 3,008 रुपए, कितना है 3,008 रुपए। आप यहां से 1 साल का ब्याज निकाल लो, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, तो 3,008/2 जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1504 रुपए, 1504 रुपए, ठीक है। 200 से काट दिया, 1504 रुपए आ गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, हम इस राशि, ये जो राशि 17,200, इसका 8% से ब्याज निकालेंगे तो 17,200 × 8/100 इस तरह निकालेंगे 8% से। 1 साल का, कितने साल का, 1 साल का, 2 0 2 0 कट रहे, 8 × 8 = 16 और 8 × 7 = 56, 57, 8 × 8 = 5 = 13, यानी इतने रुपए की राशि आ गई, ठीक है। कितने रुपए की राशि आ गई, 13,076 रुपए की राशि आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस 13,076 में 1504 में से ये वाली राशि 1376 माइनस कर दो, तो आपके बचेंगे 8, 2, 1, यानी 128 रुपए की राशि बचेगी। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज है आपकी 8% 10%, जब इसे माइनस करा जाएगा तो ये 2% बचेगा, कितना बचेगा 2%। अब ये जो 2% है वो मतलब इसके बराबर रखना है आपको, देखिए ये जो 2% है वो इसके बराबर रखना है, ये वाला 2%, यानी 2% बराबर है 128 के, तो इसलिए 1% जो होगा वो आपका 128/2 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा 64 बार, और इसमें 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6400 रुपए, कितना आ जाएगा 6400 रुपए। अब ये जो राशि आएगी 6400 को इसमें से घटा दो, जो मतलब प्रारंभिक जो आपकी राशि थी, आपका आंसर आ जाएगा 17,200 में से 6400 रुपए माइनस कर दो, 00801, तो आपका आंसर आ गया कितना, 10,800 रुपए आपका आंसर आ गया। फिर समझ लो एक बार, देखिए एक राशि दी है आपके पास, उस पर अलग अलग दर दी है, ठीक है, एक पे 8%, एक पे 10%, 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। बाद में 2 वर्ष के बाद जो है, 2 वर्ष के बाद प्राप्त जो ब्याज है आपका 3,008 रुपए है, तो आपकी 8% की दर से उधार की गई राशि बताना है। तो हमने क्या करा, ये जो आपकी राशि ये वाली 3,008 जो है, 3,008 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितनी होगी, मतलब 1504 होगी, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि 17,200 रुपए 8% 10% मतलब दोनों पे लग रहा है, कितने लग रहा है, दोनों पे लग रहे हैं, तो मैंने 17,200 का 8% के हिसाब से 1 साल का निकाल लिया, क्योंकि ये जो मतलब है 1 साल का, ये अगले साल का, अगले वर्ष का ही आएगा, तो मैंने निकाल लिया 8% से, ये आ गया मतलब कितना 1376 रुपए आ गया। 1376 को इस वाले रुपए में से घटा देंगे तो 128 रुपए आ रहा है। अच्छा, इनका जो माइनस होगा, इनका जो अंतर होगा
वो 2%। ये जो 2% है वो किसके बराबर रखा जाएगा, इसके 128 के। अब दर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1% का 128/2 × 100, तो ये 6400 रुपए आ जाता है। इस 6400 को जो है वो मतलब किसमें से, जो शुरू वाला स्टार्टिंग वाला जो मूलधन था उसमें से घटा देंगे, 10800 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। सवाल आपके सामने है साधारण ब्याज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट में आया था 23/8/2021 में आया था। प्रकाश LP मेरे चैनल का नाम है, इससे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, हैं, जिससे आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, है नहीं, तो इससे आप जो है आपको नए नए वीडियो मिले जो आपके काम के हैं कंपटीशन लेवल के। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको सवाल समझाता हूँ। देखिए 25,600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर दो भागों में, एक भाग के लिए 7% वार्षिक और 9% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 5832 है तो 9% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि बताइए। तो देखिए रुपए हैं आपके कितने, 25,600 रुपए, और जो है इसमें 7% एक ब्याज लग रहा है और 9% एक ब्याज लग रहा है, ठीक है, सुनाई, एक ब्याज 7% और एक ब्याज 9%, और आपको जो है 3 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का ब्याज दिया है 5832 रुपए, ठीक है। तो जब 1 वर्ष का निकालेंगे, यहाँ पे 1 वर्ष का निकालना है तो 3 से इसकी भाग हो जाएगी, 3 से 3 × 3, 3 × 27, 3 × 12, 3 × 12 यानी 1944 रुपए आ गए। अब आप एक काम करो 25,600 का भी निकाल लो, कितने परसेंट से, 7% से, 1 साल का 20 से 20, 7 × 46, 7 × 35, 35 × 39, 7 × 14, 14 × 17, 1792 रुपए आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो राशि आई 1944 और इन दोनों को माइनस कर देना है, 1944 में से 1792 माइनस कर देना है, तो कितना बचा, 2, 14 में से 9 = 5 और यहाँ पे 1, यानी 152 रुपए। अच्छा इसका अंतर कितना होगा, 2% होगा, कितना अंतर होगा, 2% होगा, तो देखिए 2% इसके बराबर है, तो 1% का अगर हम निकालें तो 152/2 × 100 कर लीजिए, 2 × 5 = 10, 0 ऐसी, तो इसका आ जाएगा 0, 5 × 10, 5 × 25 = 26, 5 × 7 यानी 7600 रुपये आ गया, कितना आ गया, 7600 रुपये आ गया। और इसने कितने परसेंट का पूछा है, 9% का पूछा है ना, 9% का पूछा है, तो 9% का ये आपका जो है 9% के हिसाब से